तो आगे बढ़ते हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के साथ। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, अ कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm। तो ये हमें यहाँ पर डायमीटर, वायर का डायमीटर दिया है और वो कितना है 0.5 mm, एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 × 10⁻⁸ ohm। रेजिस्टिविटी यानी रो का वैल्यू दिया है, यहाँ पर ये डायमीटर है, ये डी का वैल्यू दिया है डायमीटर। वॉट विल बी लेंथ ऑफ द वायर, यानी हमें कहीं ना कहीं लेंथ फाइंड करना है टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ohms, और ये किसका वैल्यू दिया है रेजिस्टेंस का, वो कितना है 10 ohms। ठीक है, तो एक वायर है जिसका डायमीटर 0.5 mm है, उसका रेजिस्टिविटी 1.6 × 10⁻⁸ ohm है, उसका हमें लेंथ फाइंड करना है जब उसका रेजिस्टेंस कितना होगा 10 ohms होगा। तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है, उसका डायमीटर का वैल्यू दिया है, उसके रेजिस्टिविटी का वैल्यू दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, उसका लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, तो गिवन में लिख लेते हैं यहाँ पर, तो गिवन में डायमीटर डी इक्वल्स टू 0.5 mm डायमीटर दिया है, डायमीटर का फॉर्मूला में कोई काम नहीं है, इसलिए हम डायमीटर से फाइंड करेंगे सबसे पहले रेडियस को। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2, इट इज़ हाफ ऑफ डायमीटर, तो ये 0.5 upon 2, और इसको आप जब डिवाइड करोगे बराबर, अगर ये 5 होता 5/2 तो ये 2.5 हो जाता, तो ये 0.5 तो कितना आ जाएगा, ये 0.25 क्या हो जाएगा, ये mm। तो रेडियस मिल गया 0.25 mm है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मिला है, क्या है mm। नाउ mm इज नॉट SI यूनिट, ये SI यूनिट नहीं है, हमें SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक कन्वर्जन फैक्टर याद रखो, क्या है वो फैक्टर, 1 meter इज इक्वल टू 1000 mm, 1 meter इज इक्वल टू 1000 mm। तो 1 mm क्या हो जाएगा, 1 upon 1000, तो 1 upon 1000 विल बी mm, तो 1 mm क्या हो गया, 1 upon 1000 meter। बात आ रहा है समझ में ना, आप छोटे से बड़े में कन्वर्ट कर रहे हो, फैक्टर क्या है 1000 का मीटर में, और mm में फैक्टर क्या है 1000 का फैक्टर है, आप छोटे से बड़े में जा रहे हो, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये आ जाएगा 0.25 upon 1000, अब ये कन्वर्ट हो गया मीटर में, ठीक है, विच कैन बी रिटर्न एज 0.25 × 10⁻³ meter, 0.25 × 10⁻³ meter, ये इसका रेडियस मिल गया, कौन मिला, रेडियस। ठीक है, हमें रेडियस का कोई काम ज़्यादा नहीं है, हमें काम किसका पड़ता है, उसके एरिया काम पड़ता है, फॉर्मूला याद है कि नहीं, रो इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल। तो ये है हमारे पास, ये हमें फाइंड करना है, और ये नहीं दिख रहा है पर रेडियस दिया है, तो रेडियस दिया है तो हम ए को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और ये वैल्यू भी है हमारे पास, रेजिस्टिविटी का वैल्यू है। तो एरिया क्या होगा, तो ये फर्स्ट स्टेप में टू फाइंड एरिया, ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप में मैं एरिया फाइंड कर रहा हूं, तो एरिया क्या होगा, एरिया इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर, बराबर, पाई का वैल्यू 3.14 ले लो, 3.14 इंटू आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू है 0.25 × 10⁻³ और उसका स्क्वायर। अब ये कैसा हो जाएगा, 3.14 इंटू ये 0.25 × 0.25 बराबर इंटू 10⁻², ये जो पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा -6। तो ये स्क्वायर था ना, तो 0.25 को दो बार, और ये 10⁻³ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10⁻⁶, पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडाइसेस।
ठीक है, ये जब सब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम यू विल कम टू नो एज 0.1964 इंटू 10^-6, ये आ गया मीटर स्क्वायर एरिया, ये मिल गया हमको एरिया। ये जब सब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1964 और ये इंटू 10^-6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया मिल गया, अब सेकंड क्या फाइंड करेंगे हम, विल गो एंड फाइंड लेंथ ऑफ द वायर। तो रो होता है आर इंटू ए अपॉन एल, देयरफॉर एल क्या हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन रो, बराबर ना। तो आर क्या है, आर 10 है, एरिया क्या है 0.1964 इंटू 10^-6 अपॉन रेजिस्टिविटी क्या है 1.6 इंटू 10^-8, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इसको लिख लेता हूं मैं 0.1964, सिर्फ ये नंबर लिख लिया मैंने, ठीक है। यहां पर 10 है ना और यहां पर 10^-6 है, तो 10^1 इंटू 10^-6, 10^1, ये 10 का 10^1 इंटू 10^-6, तो इसका कितना बचेगा, बराबर ये एक बार और ऊपर वाला 1-6 कितना 10^-5, तो इधर ऊपर बच रहा है इंटू 10^-5 और नीचे जो है वो है 1.6 इंटू 10^-8, ठीक है। अब ये रब कर देता हूँ, अब अगेन पावर ऐसा आ गया 10^-5 अपॉन 10^-8। तो लॉ ऑफ इंडेक्सेस ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन क्या कहता है, ए एम माइनस एन, तो ये 10 का 10 रहेगा, एम माइनस 5 माइनस ऑफ माइनस 8, तो 10^-5 प्लस 8 दैट इज 10^3, तो कितना बच रहा है, ये 10^3 हो जा रहा है। तो ये आपका हो गया 0.1964 इंटू 10^3 और नीचे सिर्फ कौन बचा 1.6, समझ में आया कि नहीं। ये दोनों पावर को हमने मिला दिया और मिला क्या बना दिया 10^3 बना दिया और नीचे सिर्फ क्या बचा 1.6। अब क्या कर सकते हैं, अब ये 10^3 है ना तो ये नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.1964 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, ये 196.4 अपॉन 1.6। फर्दर इसको हम लोग पॉइंट शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ पर भी एक पॉइंट है, यहाँ पर भी एक पॉइंट है, शिफ्ट कर देते तो इसको 1964 अपॉन 16 कर देते। अब ये जो सिंपल डिवीजन करोगे, व्हेन यू विल डिवाइड दिस सिंपली यू विल कम टू नो एज 122.7 मीटर, इसके आसपास ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर बहुत लॉन्ग हो रहा है तो आप क्या करो, यहाँ तक भी रख के और मीटर लिख दो रेशियो में, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो, और उसको फर्दर डिवाइड करके सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में करके उसका आंसर लिख कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे इसके डिवीजन में भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो ये मिल गया हमें लेंथ ऑफ द वायर, तो उस वायर का लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 122.7 मीटर होना चाहिए, जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम्स हो, जिसका रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10^-8 हो और जिसका डायमीटर 0.5 हो। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, इन द सेकेंड पार्ट हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल, रेजिस्टेंस में क्या बदलाव आएगा अगर डायमीटर डबल हो रहा है, ये हमें फाइंड करना है। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। ये ए का, ए जो है ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन, उसका दो पार्ट। अब यहां पर बी का, तो थ्योरी लेक्चर्स में भी मैंने बताया था कि डायमीटर दिया हो या रेडियस दिया हो, इन दोनों का ही रेशियो सेम होता है। रेशियो ऑफ डायमीटर एंड रेशियो ऑफ रेडियस इज इक्वल, ठीक है। तो अब ये जान लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है, ठीक है, जिसका वायर ए और ये है वायर बी, ठीक है। तो ये पहला वाला जो है, पहला वाला वायर, सपोज इसको नाम मैंने वायर ए दे दिया, तो वायर ए का लेंथ, लेंथ एल है, एरिया
एरिया ए है, ठीक है। अच्छा, एरिया का रिलेशन नहीं दिया, एक काम करो, डायमीटर का रिलेशन दिया है। डायमीटर जो है वो है डी, ठीक है। इसका लेंथ जो है, लेंथ चेंज नहीं हो रहा है। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल? सब डायमीटर डबल हो रहा है, रेजिस्टेंस में कोई, लेंथ में कोई चेंज नहीं है, तो लेंथ एल ही रहेगा। डायमीटर कितना बदल गया, तो पहले वाले वायर का डबल हो गया, तो ये 2D, समझ में? कितना हो जाएगा 2D। अब हम क्या बोलेंगे कि रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया, तो इसका रेजिस्टेंस ए और इसका रेजिस्टेंस बी। अब हम रेशियो निकाल लेंगे, किसका रेशियो, आर ऑफ बी अपॉन आर ऑफ ए। रेजिस्टेंस निकालेंगे आर ऑफ बी अपॉन आर ऑफ ए। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखो, यहां से आर क्या होता है, रो इनटू लेंथ अपॉन एरिया, ये होता है कौन, रेजिस्टेंस, रो इनटू एल अपॉन एरिया, बराबर। यहां पर हमें एरिया का वैल्यू तो दिया नहीं है, ठीक है, तो एक फॉर्मूला और लिख लो, आर इक्वल्स टू रो इनटू लेंथ अपॉन पाई आर स्क्वायर रेडियस, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस ऑफ बी क्या होगा, ये वायर सेम था बराबर, सिर्फ क्या हुआ, इसका डायमीटर बदल गया है, तो वायर सेम है मतलब रेजिस्टिविटी सेम है, रेजिस्टिविटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, जो वायर ए का रेजिस्टिविटी है वही वायर बी का रेजिस्टिविटी है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी इज नॉट चेंजिंग हियर, लेंथ चेंज हो रहा है और रेडियस चेंज हो रहा है, पाई भी तो कांस्टेंट है, तो लेंथ और रेडियस, मतलब डायमीटर दिया वहां पर, वो उसको मैं रेडियस बना लूंगा, तो लेंथ और रेडियस चेंज हो रहा है। रेजिस्टेंस लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस रेडियस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर रेजिस्टेंस रेडियस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डायमीटर को भी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनली होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या ले लेते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस ऑफ बी, बी क्या होगा, लेंथ, लेंथ क्या उसका, बी का एल है बराबर, अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये रेजिस्टेंस ऑफ बी, रेडियस ऑफ बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका क्या होगा, लेंथ, लेंथ तो उसका एल ही है और इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है आर ऑफ ए का स्क्वायर। देख लो, रेजिस्टेंस लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये आप रेडियस लिखो या यहां पर डायमीटर लिखो, बात एक ही है, आप रेडियस लिखो या डायमीटर लिखो, बात एक ही है, जब रेशियो लेंगे तो दोनों सेम चीज हो जाएंगे। अब आगे, देयरफॉर आर ऑफ बी अपॉन आर ऑफ ए इज इक्वल टू, तो ये लेंथ अपॉन डी बी का स्क्वायर, ये डिवाइड का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डी ए ऊपर चले जाएगा, दिस विल गो अप, डी ए का स्क्वायर अपॉन लेंथ, ये लेंथ लेंथ कैंसिल, तो आर बी अपॉन आर ए इक्वल्स टू डी ए अपॉन डी बी द होल स्क्वायर, ये डी ए अपॉन डी बी द होल स्क्वायर, तो आर बी अपॉन आर ए इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी बी, डी ए कितना है, ए का कितना है डी ए, और बी का कितना है टू डी ए का स्क्वायर, डी डी कैंसिल, तो आर बी अपॉन आर ए इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर एंड दैट इज 1/4, देयरफॉर आर बी इज इक्वल टू आर ए अपॉन 4, मतलब जब डायमीटर आपने डबल किया या रेडियस आपने डबल किया, बात याद रखो, लेंथ से में डायमीटर डबल किया या रेडियस डबल किया, तो डबल का उल्टा कर दो वो हाफ होगा और उसका स्क्वायर कर दो क्या होगा 1/4, तो रेजिस्टेंस में जो बदलाव आएगा कितना हो जाएगा, नया वाला रेजिस्टेंस पहले वाले का 1/4 हो जाएगा, पहले वाले का 1/4 हो जाएगा नया वाला रेजिस्टेंस, तो पहला वाला रेजिस्टेंस कितना है, अगर 10 है तो 1/4 कितना, यानी 2.5, कितना हो जाएगा 2.5। तो ये डायरेक्ट भी हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं,
बराबर, अगर थियोरी लेक्चर बराबर देखा है तो रिलेशन हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं कि भाई अगर डायमीटर डबल हुआ या रेजिस्टेंस डबल हुआ, रेडियस डबल हुआ, या डायमीटर डबल हो या रेडियस डबल हो, तो डबल का क्या करने का, उसका उल्टा कर दो। जो नंबर है जैसे डबल हुआ तो 2 का उल्टा 1/2, 1/2 का स्क्वायर करो तो 1/4, तो 1/4 हो जाएगा वो, ठीक है। अगर 1/4 हुआ तो 1/4 का उल्टा करो, 1/4 का उल्टा 4 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करो 16, तो 16 टाइम से बढ़ जाएगा, बात ये समझो बराबर है। अगर डायमीटर 1/4 हुआ, पहला वाला डायमीटर जो था उसका 1/4 अगला डायमीटर हो गया, तो 1/4 का उल्टा करो, 1/4 का उल्टा 4 हो गया, 4 का स्क्वायर करो कितना 16, तो 16 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रिलेशंस है ये पूरा समय।